राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के सादरा में सीबीडी ग्राउंड में श्री राम हनुमंत कथा आयोजन होने जा रही है। इसको लेकर बागेश्वर धाम सरकार की कथा से पहले पत्रकारों से बात करते हुए बागेश्वर धाम सरकार के पीठासीन आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने होने वाली कथा को लेकर कहा कि दिल्ली में 3 दिन दरबार लगेगा। दिल्ली के प्रदूषण पर धीरेन्द्र शास्त्री ने चिंता जताई और कहा कि लोगों को कम से कम वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। जनता से अपील की कि वह अपने बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाएं और उनको हमेशा मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। धर्म के योद्धा भी जब इस तरह किसी विषय पर चिंता जताने लगे तब सरकारों को सजग हो जाना चाहिए। सरकार यदि सचेत हो तो प्रदूषण से निजात मिल सकती है। क्या कुछ कहना था धीरेन्द्र शास्त्री का, देखिए रिपोर्ट। नमा गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमा परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा से, बागेश्वर हनुमान जी के चरणों के प्रताप से भारत की राजधानी दिल्ली में सहादरा क्षेत्र के अंतर्गत सीबीडी ग्राउंड में 3 दिवस तक श्री राम एवं हनुमान संवाद की परिचर्चा है। इसमें इंटरनेशनल सिद्धाश्रम के तत्वावधान में यह कथा का आयोजन किया जा रहा। इसमें हमारे बड़े ही प्रिय और विदेशी धरती पर देसी झंडा सनातन का फहराने वाले श्री सिद्धाश्रम के पीठाधीश्वर हमारे बड़े ही प्रिय अनुज हैं और भाई हैं। बड़ा प्यारा इनका लाड़ दुलार है धाम के प्रति। श्री राजराजेश्वर महाराज जी के द्वारा इस कथा को करवाया जा रहा। इसमें 16, 17, 18 3 दिवस तक महोत्सव है। 17 तारीख को दिव्य दरबार है। बाकी 3 दिनों तक दोपहर 2 बजे से हरि इच्छा तक भगवत चर्चा होगी। सो इसके लिए आप लोगों के मन में जो भी भाव प्रश्न उत्पन्न हो उसका आप उत्तर पा सकते हैं। दिल्ली के लोग बड़े प्यारे, हम पूर्व में भी दिल्ली आ चुके हैं, कथा की हमने, यहाँ की भावों को भाव बड़ा प्रबल है। एक तो ठीक पास में वृंदावन है और हरिद्वार भी है, तो यहाँ के लोग बड़े भावुक हैं। पर लौकिक दृष्टि से अगर हमसे पूछें, अध्यात्म के अलावा लौकिक दृष्टि से पूछें, तो वर्तमान दिल्ली प्रदूषण से जूझ रहा है और ये यहाँ के लिए बहुत ही घातक है। तो दिल्ली के हम अपने सभी प्रियजनों को, देखो जो माने सो ठीक, साधु तो प्रार्थना कर सकता है, तो हम प्रार्थना करके यही कहेंगे कि कम से कम वाहनों का प्रयोग करें और कोशिश भर आसपास जो है कोशिश करें कि अपने बच्चों के मास्क लगाए रखें ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी कृत ना हो सके जिससे किसी को हानि या क्षति। भारत जी इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, जिस तरीके से यहाँ प्रदूषण की आप वर्तमान में बढ़ते हुए संसाधन और नज़दीक पर ये फैक्ट्रियाँ प्रदूषित जगह जगह कचरा डालना और कुछ कुछ जो बीच में सुनने को मिलता, हम सत्य असत्य कुछ कह नहीं सकते। सुनने को मिलता है कि कई बार आसपास के खेतों की फसल जला दी जाती है, उसका धुआं भी आ जाता। तो ये कुल मिला जुला करके सब लोग जिम्मेवार हैं, सबको इस पर कार्य करना पड़ेगा। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93।
आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।